नमस्कार दोस्तों, काफ़ी पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट के लिए वो दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दवाइयाँ काम नहीं कर रही या दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो जिन पेशेंट्स को दवाइयाँ काम नहीं कर रही या दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो उनके लिए एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है, पिनाइल इंजेक्शंस। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेन्स हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पिनाइल इंजेक्शंस के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा। जो पिनाइल इंजेक्शन हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, उसका नाम है बाइमिक्स। बाइमिक्स के अंदर दो दवाइयाँ होती हैं, पेपावरीन और क्लोरप्रोमाजीन। बाहर की कंट्रीज़ में एक और इंजेक्शन मिलता है जिसको कहते हैं ट्राइमिक्स, उसमें इन दोनों के अलावा एक और दवाई होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन। लेकिन ये वाला जो कॉम्पोजिशन है, ट्राइमिक्स मिक्सचर, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जो बाइमिक्स है वो भी इंडिया में फार्मेसीज़ में नहीं मिलता, लेकिन बाइमिक्स की जो दोनों दवाइयाँ हैं वो हम लोग खुद ही मिक्स करके पेशेंट्स को बनी बनाई दवाई सप्लाई करते हैं। तो अगर आपको भी ये बाइमिक्स का इंजेक्शन चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको बाइमिक्स इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये बाइमिक्स काम कैसे करता है? देखिए, इसमें जो दवाइयाँ होती हैं, जब हम पेनिस में इंजेक्ट करते हैं, ये पेनिस का ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ करते हैं। जो नॉर्मल इरेक्शन होती है वो कैसे होती है? आपको स्टिमुलेशन होती है, स्टिमुलेशन से बॉडी का ब्लड पेनिस में जाता है, पेनिस में हार्डनेस आती है और उसके बाद आप सेक्स कर सकते हैं। अब आपको जो इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, पूरा ब्लड पेनिस के अंदर आ नहीं रहा। जब ये इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे जो पेनिस की ब्लड वेसल्स हैं वो खुलती हैं, थोड़ी डायलेट होती हैं और ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो उससे पेनिस में ब्लड सप्लाई आती है। अब इस इंजेक्शन को यूज़ कैसे करते हैं? देखिए, इस इंजेक्शन को सेक्स से पहले, सेक्स के टाइम पर ही पेनिस के अंदर इंजेक्ट करना होता है। अगर आप मान लो ये पूरी पेनिस है, ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे नर्व्स होती हैं और नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे यूरिन पैसेज होता है, यूरेथ्रा होती है। तो जब आप इंजेक्शन करते हैं तो इंजेक्शन साइड्स में ही करना चाहिए, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, और एक ही साइड से करने में पूरे पेनिस में दवाई चली जाती है। और देखना चाहिए जहाँ पे आप इंजेक्ट कर रहे हो वहाँ पे कोई ब्लड वेसल ना हो, ताकि ब्लड वेसल में ना प्रिक हो जाए, क्योंकि ब्लड वेसल में प्रिक होएगा तो फिर वहाँ पे सूजन हो जाती है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगाया और ऑटोमेटिकली इरेक्शन आ जाएगी। इंजेक्शन लगा के आपको उसको स्टिमुलेट भी करना होता है पेनिस को, और स्टिमुलेशन के बाद ही ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगी और इरेक्शन आएगी। इस इंजेक्शन को स्टोर कैसे करते हैं? देखिए, ये जो इंजेक्शन हम लोग सप्लाई करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब मिलती है, उस टेस्ट ट्यूब में इतना इंजेक्शन होता है कि आपका करीब 3 महीने तक चल जाएगा। तो आप इस टेस्ट ट्यूब को ईजिली रूम टेम्परेचर पर 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। कई लोग जो इस इंजेक्शन को कम यूज़ कर रहे हैं, उनका ये जो सप्लाई वाला वायल है 3 महीने से भी ज़्यादा चल सकता है, 6 महीने तक, 8 महीने तक। तो उस कंडीशन में आप इसको फ्रिज में रखिए। 3 महीने तक आप घर में रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा अगर आप स्टोर करेंगे तो फ्रिज में आप स्टोर करिए। इसके अलावा ये इंजेक्शन लगाने के टाइम पे कुछ कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहली चीज़ कि जब आप एक इंजेक्शन लगाते हैं तो अगला इंजेक्शन आपको 3 दिन के गैप के बाद ही लगाना चाहिए, मतलब कि 1 हफ्ते में 2 या 3 इंजेक्शन ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर आप डेली सेक्स करो तो डेली इंजेक्शन लगा रहे हो, ये नहीं कर सकते आप। आपको कम से कम 2 या 3 दिन का गैप हर इंजेक्शन के बीच में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं जैसे सिल्डेनाफिल या वर्डेनाफिल या वेनाफिल, तो ये वाली जो दवाइयाँ हैं और इंजेक्शन में कम से कम 1 दिन का गैप होना चाहिए। अगर आपने 1 दिन दवाई ली है तो इंजेक्शन अगले दिन लगाइए। सेम दिन पे इंजेक्शन और दवाई लेने से प्रायपिज्म का डर होता है। अगर टेडालेफिल आप ले रहे हैं तो टेडालेफिल और इंजेक्शन के बीच में 3 दिन का गैप होना चाहिए, क्योंकि टेडालेफिल लॉन्ग एक्टिंग होती है, उसका बॉडी में इफेक्ट 3 दिन तक रहता है। तो इसमें आपको अगले दिन नहीं आप इंजेक्शन लगा सकते, आपको 3 दिन के बाद लगाना है। अब इस इंजेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? पहली चीज़, प्रायपिज्म। प्रायपिज्म एक चीज़ है जिसके सब लोग डरते हैं और उसके वजह से वो इंजेक्शन यूज़ नहीं करते। प्रायपिज्म का क्या मतलब है कि जैसे नॉर्मली इरेक्शन आता है तो वो आधे घंटे में डाउन हो जाता है, अगर प्रायपिज्म हो जाए तो इरेक्शन जो है आपकी 3 या 4 घंटे से ज़्यादा रहेगी, पेनिस में सूजन आ जाएगी, पेन होएगी पेनिस में, और आप चाहोगे कि इरेक्शन डाउन हो जाए लेकिन इरेक्शन डाउन ही नहीं होगी। उसमें क्या होता है कि पेनिस के अंदर ही ब्लड फ्लो जम जाता है, तो वो पेनिस से बाहर नहीं जाता। तो कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शन के बाद प्रायपिज्म हो सकता है। अगर आपको प्रायपिज्म हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट यही है कि आप ट्राई करिए कि अपने लोकल यूरोलॉजिस्ट को जाके इमिजिएटली दिखाइए और वो पेनिस को दवाइयाँ लगा के डाउन करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आसपास कोई यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बताया कैसे हम लोग पेनिस के अंदर नीडल डाल के सारा ब्लड उसमें से बाहर निकाल सकते हैं और इरेक्शन डाउन हो जाता है। तो अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए, इसमें वो वाला वीडियो है।
दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन है इंजेक्शंस की कि अगर बार बार आप इंजेक्शन लगाओगे तो जहाँ पे भी आप इंजेक्शन लगाते हो वहाँ पे थोड़ा हार्ड एरिया बन जाता है, जिसे पायरनीज डिजीज़ कहते हैं। आप सोचिए जो आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं, जो बहुत इंजेक्शंस लगाते हैं अपने आईवी लाइन में हाथ पे, तो उनके हाथ में हार्ड हार्ड नोड्यूल्स बन जाते हैं, हार्ड एरिया हो जाता है। वैसे पेनिस में भी आप बार बार इंजेक्शन लगाओगे, ऐसा नहीं कि एक बार ही लगाया दो बार ही उसमें हो जाएगा, लेकिन अगर आप सालों साल ये इंजेक्शन लगाओगे तो ये वाले गांठें बन सकती हैं पेनिस में, जिसको पायरनीज डिजीज़ कहते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझनी चाहिए कि आप इंजेक्शन जो ले रहे हैं इसकी गारंटी नहीं है। डेफिनेटली इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट होता है, लेकिन सब लोगों को बेनिफिट नहीं होता। तो अगर आप भी ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने मेडिसिन भी ट्राई करी नहीं फ़ायदा हो रहा और इंजेक्शन भी ट्राई करे हैं नहीं फ़ायदा हो रहा, मतलब आपको सिवियर प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको सर्जरी करा के इम्प्लांट कराना पड़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप उसके लिए मेडिसिन या इंजेक्शन या इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं और आप उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।